क्या कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएंगे? ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। अटकलों के बीच तमाम कांग्रेसी नेता कमलनाथ को पुराने संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अभी इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहीं तेजिंदर बग्गा कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद होने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं, सिखों के नरसंहार में शामिल लोगों को बीजेपी। नेताओं से भी बात किया और वो भी इस बात से सहमत है कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए, जगह नहीं मिलनी चाहिए। बीच खबरें ये भी बता रही हैं कि कुछ एमएलए हैं जो कांग्रेस के, वो भी कमलनाथ के साथ आएंगे, साथ के उनके बेटे नकुलनाथ भी आएंगे। नकुलनाथ का विरोध क्यों नहीं? देखिए, हमने विरोध कमलनाथ का किया है, उसके अलावा कोई भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बग्गा ने नकुलनाथ को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन कमलनाथ को लेकर उनके पास आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। 1984 के सिख विरोधी दंगों की फाइल खोलते हुए बग्गा बताते हैं, आखिर क्यों कमलनाथ के लिए बीजेपी में कोई गुंजाइश नहीं है। 1984 का जो सिख नरसंहार हुआ, उसमें कमलनाथ एक आरोपी है, उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह है। तेग बहादुर जी की जो स्थान को जलाने का पाप कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें ना जाने किस आंच पर पक रही हैं। ये राज तो कमलनाथ भी नहीं बता पा रहे हैं। जो बातें उन्होंने शनिवार को कही थी, उसी को आज दोहरा रहे हैं। कल कहा था, अगर ऐसी कोई बात हुई, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। यानी सियासत के पक्के खिलाड़ी कमलनाथ अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहते। इसी बीच कमलनाथ के पाला बदलने की खबरों को लेकर जब सवाल राहुल गांधी के सिपह सलार जयराम रमेश से किया गया, तो उन्होंने जो कहा उसे जरा गौर से सुनिए। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। जयराम रमेश भले ही नजरअंदाज करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कांग्रेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी राहुल गांधी के रणनीतिकार रहे दिग्विजय सिंह को इससे फर्क पड़ता है। इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि कमलनाथ किसी भी हाल में कांग्रेस को बाय बाय नहीं करेंगे। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के भी उनसे चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। कहते हैं सियासत में संकेतों के अपने मायने होते हैं, इसलिए जब कमलनाथ के बयानों से ऐसे संकेत छिंदवाड़ा में मिले तो खबरों का बाजार गर्म हो गया कि अब वो कांग्रेस को छोड़ने के मूड में आ गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपका ध्यान सच्चाई की तरफ मोड़ रहा हूं कि मेरा इतना पुराना संबंध है, यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा, सच्चाई आपने देखी नहीं। और यही सच्चाई का आप साथ दें, अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है। कमलनाथ के समर्थक विक्रम आहाके तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जहाँ कमलनाथ होंगे वहीं वो रहेंगे। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है, और जहाँ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हम उनके साथ हैं। यानी खबरों की एक एक कड़ी को जोड़ने पर सवाल उठता है कि आखिर कमलनाथ खुलकर क्यों नहीं कहते कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे? कमलनाथ क्यों नहीं कहते कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर रणनीति बना रहे हैं? क्या कमलनाथ के लिए कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा?
क्या कमलनाथ राज्यसभा सीट के लिए आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं? कमलनाथ को लेकर सवालों का संसार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अपने कुनबे को संभालने की चुनौती सबसे बड़ी हो गई है। दिल्ली से पॉल मिसाह अनमोल बाली के साथ आज तक के रिपोर्ट।